हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग स्टेयर केस का जो सेक्शन उसे कंप्लीट डिजाइन करने वाले हैं। उसमें लेवल कहाँ कहाँ पे शो करना है और कैसे शो करना है, उसे डेकोरेट कैसे करना है, इन सारी चीजों को अच्छे से इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, इस लेक्चर में हम लोग सारी चीजों को एड कर देंगे जिससे कि हमारा साइट पे कम्प्लीट वर्क हो सके, इसमें कोई भी डिटेल्स हमारा बाकी ना रहे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक 5 फीट का स्टेयर को डिजाइन करने वाले हैं जिसका 5 फीट विड्थ रहेगा। उसके लिए हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेशन अपना कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ मैं। ओके, उसके बाद में हम यहाँ पे 10 फीट इसका हाइट लेने वाले हैं। ओके, और 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि 120 आता है हमारा, यानी 120 हमारा ये इंच हो गया। 120 इंच को हम 6 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 6 इंच के, क्योंकि हमारा एक राइजर आएगा। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट करना, इसके लिए अलग से मैं एक कैलकुलेशन पर ही सिर्फ एक मैथमेटिकली वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगा जिससे आपकी स्टेयर जो कैलकुलेशन वो कंप्लीट पर क्लियर हो जाए। ओके, यहाँ पे हम लोग लेयर वगैरह नहीं बनाएंगे बिकॉज हमारा लेयर ऑलरेडी बना हुआ है। इस फाइल का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये हमारा प्रीवियस फाइल ही है। ओके, टेलीग्राम का नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप टेलीग्राम से आप इन सारी फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक 5 फीट का स्टेयर डिजाइन कर लेते हैं। ओके, एल एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, उसके बाद में यहाँ से ऑलरेडी हमारे स्टेयर केस का लेयर ऑन है तो हम यहाँ पे 5 फीट एंटर कर देते हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ पे 5 फीट का हमारा लाइन ड्रॉ हो चुका है, हम इसको ऑफसेट कर लेंगे, वो एंटर एंड 5 फीट का हमारा यहाँ पे लैंडिंग आ जाएगा। ओके, के बाद में हम लोग इसको ऑफसेट करेंगे 10 इंच, वो एंटर, और हमारा जो है 10 इंच का हमारा ट्रेड आने वाला है। तो लाइन पे क्लिक और बाहर की तरफ हम लोग क्लिक करेंगे, बट ऐसे काफी टाइम लग जाएगा, तो हम लोग मल्टीपल का यूज करेंगे। एम एंटर कर दीजिए। ओके, उसके बाद में आप क्लिक करते रहिए, आपका लाइन ट्रिम सॉरी आपका लाइन ड्रॉ होता जाएगा, यानी ऑफसेट होता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद एक और करेंगे, वो एंटर एंड 10 इंच का यहाँ पे लाइन हम लोग एक और ऑफसेट कर लेंगे। ओके, उसके बाद में वो एंटर और फिर 5 फीट का हम लोग यहाँ पे एक ऑफसेट दे देंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे, सी ओ एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में और इस वाले पॉइंट पे क्लिक कीजिए, अर्थो ऑन रखिए। अगर अर्थो ऑफ है आपका तो प्रॉब्लम करेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो अर्थो जब मैं ऑफ करता हूँ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। जैसे ही आप अर्थो को ऑन करेंगे तो आपका लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाने लगेगा। F8 से अर्थो को ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑटोकैड के शॉर्टकट में इन सारी चीजों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हूँ। ओके, हम लोग यहाँ पे 5 फीट और 6 इंच को इसे मूव कर देंगे यानी टॉप की तरफ। उसके बाद में जे एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, यानी कि ज्वाइंट कर दीजिए इन सारी चीजों को। अगर आपका ऑटोकैड का शॉर्टकट चीजें क्लियर नहीं है, यानी बेसिक क्लियर नहीं है, तो आपको पहले बेसिक क्लियर करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ से लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक लाइन बना देंगे इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में इस वाले पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद में REC एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में और यहाँ से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दीजिए। ओके, उसके बाद में वो एंटर एंड 2 इंच का आप यहाँ पे ऑफसेट कर दीजिए, ये हमारा रेलिंग शो करेगा। ओके, हम रेलिंग सेक्शन में भी बनाएंगे। उसके बाद में जो हमारा ये आउटर लाइन आ रहा है और हमारा स्टेयर केस का, उसके आउटर लाइन को हम लोग ऑफसेट कर लेंगे 9 इंच, बिकॉज हमारा 9 इंच का यहाँ पे ब्रिक वाला आने वाला है। तो एंटर कीजिए 9 इंच, आप इसको ऑफसेट कर लीजिए, लाइन पे क्लिक, बाहर क्लिक, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, लाइन पे क्लिक और बाहर क्लिक करेंगे। उसके बाद में F एंटर, R एंटर और 0 एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में और यहाँ पे 0 रेडियस का आप यहाँ पे कॉर्नर क्रिएट कर दीजिए। ओके, फ्लिट करेंगे 0 रेडियस पे हमारा एक कॉर्नर क्रिएट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी हम कॉर्नर क्रिएट कर देंगे। उसके बाद में E एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, एक्सटेंड करेंगे इस लाइन दोनों लाइन को। ओके, R एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में और इस लाइन को अंदर वाला जो लाइन है उसको ट्रिम कर दीजिए आप। उसके बाद में Ctrl+3 कर दीजिए प्रेस एंड यहाँ पे डोर इंपीरियल का आपको ऑप्शन मिल जाएगा आर्किटेक्चरल में। यहाँ पे ऑलरेडी हम आर्किटेक्चरल में है, आर्किटेक्चरल में यहाँ पे इंपीरियल सिंपल में आएंगे और डोर इंपीरियल ले लेंगे। इन सारी चीजों का कैसे यूज करना है, ऑटोकैड का जो शॉर्टकट हमारा लेक्चर है उसमें ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर रखा हूँ, आपको जाके उसे देख लेना चाहिए। उसके बाद में एंटर करेंगे और मूव करके यहाँ पे लाके रख लेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्केल करेंगे, बिकॉज हमारा जो ये डोर है अभी हम लोग इसे प्लेस करना चाहें तो इसमें प्लेस नहीं होगा, बिकॉज हमारा डोर छोटा है और हमारा जो स्टेयर का विड्थ है वो बड़ा है, तो स्टेयर के विड्थ के अकॉर्डिंग हम गेट को डिसाइड करते हैं। ओके, तो SC एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में डोर को सिलेक्ट करके। उसके बाद में जो आपका प्लेसिंग पॉइंट है उसका फर्स्ट क्लिक कीजिए, उसके बाद में R एंटर कर दीजिए, उसके बाद में डोर का फर्स्ट पॉइंट, डोर का लास्ट पॉइंट और जहां पे आपको प्लेस करना है उसका लास्ट पॉइंट ले लीजिए। पहले फर्स्ट पॉइंट हमने लिया था, लास्ट पॉइंट ले लेंगे। उसके बाद डोर को सिलेक्ट कीजिए, M एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, इस वाले पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ पे मूव करके रख दीजिए। उसके बाद में सिलेक्ट कीजिए डोर को और ऐसे नीचे की तरफ फ्लिप कर दीजिए। उसके बाद में ऐसे आप लेफ्ट टू राइट फ्लिप कर दीजिए। ओके, उसके बाद में अभी डोर ऊपर जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे और मूव करके हम लोग नीचे इसको लाइन कर देंगे। ओके, हमारा देख सकते हो स्टेयर अभी रेडी हो चुका है। L एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में और लीडर कमांड से यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन भी इसका शो कर सकते हैं कि हमें कैसे इसका डायरेक्शन रखना है। इस वाले पॉइंट पे क्लिक और ऐसे क्लिक कर सकते हो आप। ओके, थोड़ा सा और हम लोग ऊपर कर देते हैं इसको। उसके बाद में इस वाले पॉइंट पे क्लिक, ऐसे रख देंगे। ओके, उसके बाद में इस पे डबल क्लिक कीजिए, जो आपका ये एरो है इस पे डबल क्लिक कीजिए। ओके, उसके बाद में यहाँ पे 0.5 कर दीजिए, आपका जो साइज है एरो का वो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, MI एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में और इसको मिरर करके दोनों साइड रख लीजिए। ओके, उसके बाद N एंटर कर देंगे, यानी दोनों साइड हमें चाहिए। उसके बाद L एंटर करेंगे वापस से, इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ऐसे आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे और देख सकते हो इसके अलाइनमेंट में। इस लाइन को आप सेंटर में थोड़ा रखोगे तो ज्यादा बेटर करेगा, ये हमारे सेंटर में
नहीं है। ओके, तो मैं डिलीट कर देता हूँ, वापस से बना देता हूँ। एली एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में और इस वाले पॉइंट पे क्लिक, और ऐसे ही रेंडम हम थोड़ा सा सेंटर इसको देख लेंगे। ओके, उसके बाद में ऐसे हम लोग क्लिक कर देंगे। एली एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, इस वाले पॉइंट पे क्लिक और यहाँ पे लाके रख दीजिए। उसके बाद में एम एंटर कर दीजिए, यानी मैच कर दीजिए। जो हमारा ये एरो बड़ा हो चुका है, इसी एरो से हम इसको मैच कर देंगे, यानी दोनों एरो सेम साइज में हो जाएंगे। ओके, उसके बाद में यहाँ पे अप डाउन लिख देंगे, जिसके लिए हम टेक्स्ट कमांड यूज करेंगे। टी अपने कीबोर्ड में प्रेस कीजिए और एंटर कर दीजिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा। उसके बाद यू एंड पी लिखेंगे, कंट्रोल सी कीजिए। उसके बाद में यहाँ से हम लोग इसका 6 इंच हाइट दे देंगे। ओके, उसके बाद में हम लोग इसका लेयर यहाँ पे टेक्स्ट दे देंगे। ऑलरेडी हमने लेयर बनाया हुआ है पिछले प्रीवियस लेक्चर में ही। इसका अलाइनमेंट हम लोग सेंटर करेंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। ओके, उसके बाद में इसको सिलेक्ट कीजिए, एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, इस वाले पॉइंट पे क्लिक और यहाँ पे लाके रख दीजिए। ओके, सिलेक्ट कीजिए, सी एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, और नीचे हम लोग लाके यहाँ पे रख देंगे। ओके, और यहाँ पे हम लोग डाउन लिख देंगे, सिलेक्ट कीजिए, डीएल लिख दीजिए, यहाँ पे डाउन आ जाएगा। यहाँ पे हमारा जो पी है वो पी छोटा आ रहा है, तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके आप लोग इसको अपर कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा चेंज केस, इसमें आ जाएंगे और अपर केस में कर देंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा, या फिर हम मैनुअली भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग अब इसका सेक्शन ड्रॉ करने वाले हैं। तो सेक्शन ड्रॉ करने के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करेंगे, जिसके लिए एक्स एल एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, उसके बाद में वी एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में। ओके, इस वाले वाल के जो आपका आउटर पॉइंट है इस पे क्लिक कीजिए, इनर पॉइंट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में सेकंड वाल का इनर पॉइंट, सेकंड वाल का आउटर पॉइंट, उसके बाद में जहां से आपका स्टेप स्टार्ट हो रहे हैं वहां से, और जहां पे आपका स्टेप खत्म हो रहा है वहां पे आपका 4 लाइन क्रिएट हो जाएगा। ओके, उसके बाद में एक्स एल एंटर कर दीजिए, वापस से एच एंटर कर दीजिए। उसके बाद में आप वर्टिकल लाइन, सॉरी, आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। ओके, उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ गया। अब जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको सिलेक्ट कीजिए, टी आर एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, और जितने भी आपके वर्टिकल लाइन है इन सारे को ट्रिम कर दीजिए। उसके बाद में आप चाहे तो इनको फिलीट कर सकते हैं, या फिर आप इस लाइन को ट्रिक सेलेक्ट कीजिए, इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए, आउटर लाइन को टी आर एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में। ओके, और लाइन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका लाइन पूरा ट्रिम हो जाएगा, सिर्फ अंदर का लाइन बच जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे 3 फीट का प्लिंथ ड्रॉ करने वाले हैं, तो एंटर करेंगे और 3 फीट का यहाँ पे हम लोग प्लिंथ ड्रॉ कर लेंगे। 3 फीट का हमारा ये प्लिंथ आ गया। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे 9 इंच ऑफसेट करेंगे नीचे की तरफ, बिकॉज हमारा 9 इंच का यहाँ पे प्लिंथ भी माने वाला है, तो एंटर एंड 9 इंच सॉरी यहाँ पे नीचे की तरफ ऑफसेट कर लेंगे। हमारा प्लिंथ भी यहाँ पे देख सकते हो आ चुका है, तो आपका जो लाइन है उसको सेलेक्ट कीजिए, टी आर एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, और जितने भी आपके अंदर के लाइन आ रहे हैं यहाँ पे इनको ट्रिम कर दीजिए, क्योंकि हमें इनकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ओके, हमारा प्लिंथ जो है यहाँ पे जो कंक्रीटिंग हुआ ये टोटल आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, और जो हमारा यहाँ पे नीचे प्लिंथ होगा ये टोटल होगा। ओके, उसके बाद में जो हमारा ब्रिक वॉल होगा ये प्लिंथ के ऊपर से होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से अब लाइन ड्रॉ सॉरी अपना स्टेप ड्रॉ करेंगे। स्टेप ड्रॉ करने के लिए पीएल एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, उसके बाद में आप इस वाले पॉइंट पे क्लिक कीजिए, अर्थों को ऑन कर लीजिए। अगर अर्थों ऑन नहीं है तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, अर्थों को ऑन कर लेंगे तो। उसके बाद में जितना भी आपका राइजर होगा, राइजर को लाइन जितना भी आपका राइजर होगा, राइजर की हाइट डालेंगे आप, जैसे मेरा 6 इंच है तो 6 इंच, उसके बाद में वर्टिकल डालेंगे, उसके बाद हॉरिजॉन्टल डालेंगे 10 इंच, बिकॉज 10 इंच का हमारा यहाँ पे ट्रेड आने वाला है। फिर कर्सर को अपना वर्टिकल कर दीजिए, उसके बाद में 6 इंच एंटर, उसके बाद में फिर कर्सर को वर्टिकल कीजिए 10 इंच, उसके बाद एंटर कर दीजिए। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे। ओके, और सी एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, और हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, फट से हो जाएगा। उसके बाद मिरर करेंगे, सिलेक्ट कीजिए इस पॉइंट से। ओके, उसके बाद में अर्थों को जब आपका ऑन रहेगा अर्थों, तो ये प्रॉब्लम करेगा कॉपी पेस्ट करने में, तो आप अर्थों को F8 से ऑफ कर दीजिए। अब यहाँ पे जहां पे आपको अर्थों का रिक्वायरमेंट पड़ेगा वहां पे ऑन कर सकते हो, और जहां पे रिक्वायरमेंट पड़े ऑफ का वहां पे ऑफ कर लेना। ओके, F8 इसका शॉर्टकट है। इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस वाले पॉइंट पे फिर से इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, हमारा देख सकते हो ये स्टेप बनके रेडी हो रहा है। एक सेंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, हमारा देख सकते हो यहाँ पे स्टेप रेडी हो गए। ओके, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इन सारे स्टेप को आप सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद इस वाले इसको भी सिलेक्ट करेंगे, MI एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, इस वाले पॉइंट पे क्लिक और ऐसे आप सॉरी मिरर कर दीजिए, N एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, यहाँ पे मिरर हो जाएगा। इस वाले पॉइंट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपका जो स्टेप है वो यहाँ तक आया हुआ है, तो L एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, और यहाँ से इसके एंड पॉइंट से आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड पॉइंट आओगे तो शो करेगा आपका, यहाँ से आप यहाँ पे एक लाइन बना लो। ओके, ये हमारा लैंडिंग होगा। उसके बाद में आप सबको सिलेक्ट कर लो यहाँ से, और आपको अब मिरर करना है। अब आपका काम सिर्फ मिरर करना हो गया है। MI एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, और अब आप कॉपी नहीं मिरर करेंगे, इस वाले पॉइंट पे क्लिक कीजिए। ऐसे अगर मिरर करने में प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो अर्थो को ऑन कर लीजिए F8 से। ओके, और एक बार क्लिक कीजिए, एन एंटर कर दीजिए, यहाँ पे आपका जो लाइन है ऊपर भी सॉरी आपका जो स्टेप है ऊपर भी मिरर हो जाएगा। ओके, आप जितने भी आपको फ्लोर ड्रॉ करने सॉरी जितने भी फ्लोर के लिए आपको सेक्शन बनाना है उतना फ्लोर का आपको सेक्शन बनाएंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे आ रहा है, हमारा ये फर्स्ट लैंडिंग है और सेकंड लैंडिंग है, हमारा ये हमारा फर्स्ट फ्लोर आ गया। ओके, और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर के बाद जो हम सेकंड फ्लोर जाएंगे तो हमारा ये लैंडिंग आएगा। वापस से इसको सिलेक्ट कीजिए। ओके, स्किप करता हूं मैं, और इस शिफ्ट को अपने शिफ्ट बटन को प्रेस करके उसके बाद में इस वाले जो सिलेक्टेड लाइन है इस पे क्लिक कर दीजिए, आपका डिसलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में MI एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, इस वाले पॉइंट पे क्लिक कीजिए और ऐसे मिरर कर दीजिए। उसके बाद में N एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, यहाँ पे आपका जो है मिरर हो जाएगा। हमारा देख सकते हो सेकंड फ्लोर तक का हमारा स्टेप ड्रॉ हो चुका है। ओके, एक और हम लोग मिरर करेंगे, हम लोग सेकंड फ्लोर तक ही जाएंगे यहाँ पे। ओके, उसके बाद में MI एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, उसके बाद इस वाले पॉइंट पे क्लिक और सॉरी हमने गलत सिलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल जेड कर देंगे या एस्केप बटन को प्रेस कीजिए, सिलेक्ट कीजिए ऐसे। उसके बाद में ऐसे सिलेक्ट कीजिए, ये छूट रहा हमारा स्टेप, MI एंटर करेंगे उसके बाद में इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ऐसे हम मिरर कर देंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे। ओके, अब हम लोग
क्या करेंगे यहाँ पे चेक कर लेंगे, वो एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में। हमने 10 फीट का फ्लोर बनाया हुआ है, तो 10 फीट यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, 10 फीट यहाँ भी परफेक्ट आ रहा है। उसके बाद हम लोग जो हमारा मुमटी होगा उसे हम लोग 9 फीट रखेंगे, तो 9 फीट यहाँ पे एंटर करता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है हम लोग। हमारा एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे हमने बिल्कुल 10 फीट पे अपना फ्लोर बनाया हुआ है और हमारा लैंडिंग भी आ रहा है। तो अब इसको इरेज कर दीजिए, कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सिर्फ हम लोग टॉप वाले रखेंगे क्योंकि हमारा 9 फीट पे यहाँ पे जो हमारा मुमटी आएगा, मुमटी का स्लैब आएगा ओके, और उसका जो डोर वगैरह होगा वो यहाँ से होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को नीचे की तरफ ऑफसेट करेंगे, बट उससे पहले लाइन को सिलेक्ट कीजिए ओके, TR एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में ओके, और इन सारी लाइन को आप ट्रिम कर सकते हो इनकी, क्योंकि हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो एंटर कीजिए 3 फीट का, आप इसे ऑफसेट कर दीजिए, बिकॉज हमारा 3 फीट का यहाँ पे पैराफिट आ जाएगा ओके। और उसके बाद में लाइन को सिलेक्ट TX एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, आउटर लाइन को आप ऑफसेट कर दीजिए यहाँ पे, जो हमारा वॉल है वॉल हमारा ऊपर तक जाएगा पैराफिट। उसके बाद जो हमारा स्लैब का थिकनेस है वो 6 इंच का होगा, स्लैब का थिकनेस हम लोग यहाँ पे 6 इंच ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे 15 इंच का बीम भी ड्रॉ करेंगे, टॉप के लाइन पे क्लिक कीजिए और 15 इंच का यहाँ पे सिंबल दीजिए, एंटर कर दीजिए, हमारा नीचे 15 इंच का लाइन आ जाएगा, यहाँ पे ऑफसेट हो जाएगा ओके। उसके बाद में जो आपका लाइन है उसको सिलेक्ट कीजिए, इस वाले लाइन को और इस वाले लाइन को सिलेक्ट करके आप ट्रिम कर सकते हो या बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो। बट उससे पहले ये जो हमने रेफरेंस लाइन लिया था अपना स्टेप बनाने के लिए, दो लाइन इनको आप इरेज कर दीजिए, सिलेक्ट कीजिए, ये एंटर कर दीजिए, इरेज हो जाएगा या फिर ट्रिम कर दीजिए ओके। उसके बाद हम लोग ट्रिम करके यहाँ पे बीम बनाएंगे, यहाँ पे हमारा हॉलो आएगा क्योंकि हमारा स्लैब और यहाँ पे हमारा बीम आएगा, स्लैब के साथ हमारा बीम कास्ट होगा और जो बीच का हमारा लाइन है इसको ट्रिम कर देंगे। TR एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में और बीच का जो लाइन है इसे ट्रिम कर दीजिए ओके। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ई वाला पॉइंट आ रहा है इस पे क्लिक और ये वाला पॉइंट है इस पे क्लिक कर दीजिए, देख सकते हो हमारा बिल्कुल हॉलो क्रिएट हो गया, हमारा ये स्लैब और ये हमारा बीम एक ही में रहेगा, एक साथ कास्ट होगा, इसलिए ऐसे इसको हम ट्रिम करके करेंगे ओके। और इसमें हम लोग हैच कर देंगे कंक्रीटिंग का ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो स्लैब है स्लैब का थिकनेस और स्लैब का यहाँ पे थिकनेस ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे बीम भी ड्रॉ करेंगे ओके, लैंडिंग का थिकनेस और यहाँ पे जो हमारा स्लैब आ रहा है टेपर स्लैब इसका भी हम थिकनेस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। बट उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सारे स्लैब के बॉटम में, यहाँ पे कितना बड़ा भी आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, अर्थो को ऑफ कर लीजिए अगर प्रॉब्लम कर रहा होगा तो ओके। वापस से इस वाले पॉइंट पे क्लिक और इस वाले पॉइंट पे क्लिक कर देते हैं, कितना भी छोटा लाइन ट्रिम बना लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाला है। जब हम लोग इसे फ्लिट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये लाइन एक्सटेंड हो जाएगा ओके, फटाफट से आप इसे भी एक्सटेंड कर लीजिए, सॉरी ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो एंटर करेंगे और 6 इंच का यहाँ पे हम लोग ऑफसेट करेंगे। बट जो हमारा ये स्लैब है, स्लैब को हम मिनिमम 4 इंच रखते हैं, तो मिनिमम यहाँ पे 4 इंच ही रखने वाले हैं ओके, नो डाउट। तो वो एंटर कर दीजिए एंड 4 इंच का आपको ऑफसेट कर लेना है, बिकॉज हम 4 इंच का यहाँ पे स्लैब देने वाले हैं अपना। तो फटाफट से आप इसको ऑफसेट कर लीजिए, हम इसे भी ऑफसेट करेंगे, बिकॉज हमारा जो ये स्लैब है ये टोटल हमारा होगा, लैंडिंग पे भी होगा और ये टेपर जो हमारा स्टेप आ रहा है इनमें भी स्लैब होगा। फिर इसके बाद में इस वाले लाइन पे टॉप का है उसे क्लिक कीजिए और 15 इंच यहाँ पे एंटर कर दीजिए। 15 इंच इसलिए करेंगे बिकॉज हमारा यहाँ पे बीम आएगा, ये जो लाइन एक्स्ट्रा आ रहा है इसे हम ट्रिम कर देंगे, ऑटोमेटिक ट्रिम हो जाएगा, नो डाउट, कंफ्यूजन कोई भी नहीं आने वाला है आपको, मैं बता दूंगा ओके। लाइन पे क्लिक, नीचे की तरफ 4 इंच का ऑफसेट हो जाएगा, फिर लाइन पे क्लिक, उसके बाद में 15 इंच यहाँ पे एंटर कर देंगे ओके। फटाफट से मैं कर देता हूँ, यहाँ पे लाइन पे क्लिक 4 इंच, उसके बाद में लाइन पे क्लिक 4 इंच, लाइन पे क्लिक यहाँ पे और 15 इंच यहाँ पे एंटर ओके। उसके बाद में फिर से इस वाले लाइन पे क्लिक करेंगे, इस वाले लाइन पे 4 इंच, इस वाले लाइन पे 4 इंच का हम लोग ऑफसेट करेंगे, इस वाले लाइन पे 4 इंच और इस वाले लाइन पे क्लिक करेंगे, 15 इंच यहाँ पे ऑफसेट कर देंगे। उसके बाद फिर इस वाले लाइन पे क्लिक और 15 इंच यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ ऑफसेट कर लेंगे। अभी देख सकते हो हमारा ऑफसेट होकर रेडी हो चुका है, सिर्फ हमारा काम हो गया फ्लिट करने का ओके। बट उससे पहले हमारा जो हमने रेफरेंस लाइन बनाया था एक स्लैब में, यहाँ पे देख सकते हो, इसे हम इरेज कर देंगे बिकॉज हमें इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो लाइन को सिलेक्ट करते जाइए और इरेज कर दीजिए, ई एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, ऑटोमेटिक ये लाइन जो है आपका इरेज हो जाएगा ओके। यहाँ पे देख सकते हो, अब हमारा देख सकते हो सिर्फ हमारा ये लाइन बचा हुआ है, तो हम लोग इसे फ्लिट करेंगे। फ्लिट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड में F एंटर कर दीजिए, R एंटर और 0 रेडियस यहाँ भी हम क्रिएट करेंगे, हमारा यहाँ पे कॉर्नर क्रिएट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे याद रखिए, आपको इधर की साइड क्लिक करना है फर्स्ट लाइन, उसके बाद में जो आपका ये स्लैब का लाइन है इस पे क्लिक कीजिए ओके। आपका देख सकते हो यहाँ पे ट्रिम हो गया ऑटोमेटिक और फ्लिट हो गया है, जो हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे स्टेप आ रहे थे ऑटोमेटिक ट्रिम हो चुके हैं ओके। वापिस से हम F एंटर कर देंगे ओके, या फिर एंटर बटन को सिर्फ प्रेस कीजिए, जो आपका प्रीवियस कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। लाइन पे क्लिक और इधर क्लिक करेंगे, देख सकते हो हमारा ट्रिम हो रहा है, सॉरी फ्लिट हो रहा है, ये जो हमारा लाइन यहाँ तक आएगा हम बाद में इसे एक्सटेंड भी करेंगे जब फ्लिट कर ले रहे हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन पे क्लिक और यहाँ पे हम सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन यहाँ पे और उसके बाद हमारा सेकंड लाइन, यहाँ पे फर्स्ट लाइन, उसके बाद यहाँ पे हम सेकंड लाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सटेंड करेंगे। बट उससे पहले जो हमारा ये एक्स्ट्रा लाइन आ रहा है हम इसको ट्रिम कर लेंगे, यहाँ पे जैसे देख सकते हो ओके, यहाँ भी आ रहा है जो हमारे स्टेप के साथ आ रहा है, तो इसको हम ट्रिम करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो वॉल की हमारा अंदर का लाइन है इसको सिलेक्ट कीजिए, इसका भी अंदर का लाइन को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद TR एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, और जैसे ही आप लाइन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो कर्सर को मैं लाइन पे लेके जा रहा हूँ अभी, तो हमारा जो ये लाइन एक्स्ट्रा है वो गायब हो रहा है। इस पे क्लिक कर दीजिए, ऐसे ही फटाफट से आप इसको ट्रिम कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये सारा जो स्टेप है वो ट्रिम हो जाएगा ओके, जितना भी अननेसेसरी है वो ट्रिम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एस्केप बटन को प्रेस कर देंगे ओके। उसके बाद हम लोग ये एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, इस वाले लाइन पे क्लिक कर दीजिए, देख सकते हो ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो रहा है, नो डाउट, देख सकते हो ओके। हम लोग इसमें हैच भी प्रोवाइड करेंगे कंक्रीट
कंक्रीटिंग का, बिकॉज इसमें कंक्रीटिंग होने वाला है। अब आप लोग को यहाँ पे ट्रिम वगैरह कुछ नहीं करना है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। उसके बाद हम लोग बीम यहाँ पे बीम के लिए यहाँ पे हॉलो क्रिएट करेंगे, जिससे हम दोनों यहाँ पे ट्रिम कर देंगे लाइन को। टीआर एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, इस लाइन को क्लिक और इस लाइन पे क्लिक कर दीजिए, आपका लाइन जो है ट्रिम हो जाएगा। फिर से इस लाइन पे क्लिक और इस लाइन पे क्लिक, ट्रिम हो जाएगा, बिकॉज हमारा यहाँ भी बीम आएगा, यहाँ भी बीम आएगा स्लैब के साथ में। क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे, हमारा ट्रिम हो जाएगा। इस पे क्लिक और इस लाइन पे क्लिक, हमारा ट्रिम के। फिर से फटाफट से इस वाले लाइन पे क्लिक करता हूँ मैं और इस वाले लाइन पे ट्रिम हो जाएगा हमारा। ओके, उसके बाद सारी चीजें हमारी रेडी हो चुकी है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हैचिंग को प्रोवाइड करेंगे। हैचिंग प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे, उससे पहले हम लोग यहाँ पे डोर प्रोवाइड कर देते हैं, बिकॉज हमारा यहाँ पे आउटर जाने के लिए डोर भी होगा। ओके, हम लोग इनमें डोर नहीं दिखाएंगे, बट सिर्फ हमारा ये जो मोमटी है, मोमटी पे हम लोग डोर दिखाएंगे। तो एंटर कर लीजिए, उसके बाद 7 feet and 6 inch यहाँ पे आप ऑफसेट कर दीजिए इस लाइन को, जो आपका रेफरेंस लाइन है इससे। उसके बाद REC एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, इस वाले पॉइंट पे क्लिक और इस वाले पॉइंट पे आप लाके एक रेक्टेंगल बना लीजिए। अब जो आपका ऊपर का लाइन था इसको इरेज कर दीजिए। ओके, बीच में आप सेंटर से एक लाइन बना सकते हो। ओके, इस वाले पॉइंट पे क्लिक और सेंटर में हम लोग एक लाइन बना देंगे, हमारा यहाँ पे डोर आ जाएगा। ओके, हम लोग चाहे तो एंटर एंड 1 inch इसको हम लोग ऑफसेट भी कर सकते हैं। अंदर की साइड आप 1 inch इसको ऑफसेट कर दीजिए। ओके, हमारा यहाँ पे डोर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे डोर का सिंबल हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग इसमें हैचिंग कर देते हैं, जो हमारा कंक्रीट का हैचिंग आएगा और स्लैब में। ओके, स्लैब और बीम में, तो एच एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में। अपने प्लान को सबसे पहले तो छोटा कर लीजिए आप, जिसमें आप हैच करना चाहते हैं। हमारा यहाँ पे अलग अलग पार्ट में है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये अलग एक बीम और स्लैब है, इसमें अलग कर देंगे। ओके, उसके बाद में फिर इसमें क्लिक करेंगे, उसके बाद ये हमारा जो आ रहा है स्लैब, इसमें क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से हम जितने भी हमारे स्लैब हैं सारे स्लैब के अंदर हम एक बार माउस से अपना क्लिक कर देंगे। ओके, यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद इसमें भी हम क्लिक करेंगे, बिकॉज हमारा ये भी एक स्लैब आएगा, सॉरी हमारा ये प्लिंथ बीम आएगा। ओके, और सबका जो है हैचिंग सेम पैटर्न में होगा, बिकॉज इनमें हम सब में क्या डालने वाले हैं, कंक्रीट। ओके, इसमें क्लिक कर दीजिए, कंक्रीट का आ जाएगा लेयर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेट ओरिजिन में क्लिक करेंगे और अंदर की तरफ एक बार क्लिक कर दीजिए, कंक्रीट का पैटर्न यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ से कलर को आप डिसाइड कर सकते हो, हम थोड़ा सा डार्क रखेंगे। ओके, यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद हम लोग इनमें चाहे तो बैकग्राउंड कलर भी कोई भी दे सकते हैं, बट हमें नहीं देने की जरूरत है, हम नहीं देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देते हैं इसको। अभी देख सकते हो हैचिंग बनके हमारा रेडी हो चुका है। हम चाहते तो इसका स्केल भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से स्केल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे 1.5 कर देता हूँ मैं एंटर, उसके बाद देख सकते हो हमारा थोड़ा सा हैचिंग जो है इंक्रीज हो गया। ओके, अब हम लोग वॉल का हैचिंग कर देंगे, जितने भी हमारे वॉल्स आ रहे हैं सेक्शन में सबके हैच कर देंगे। तो एच एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में और जितने भी जगह पे आपको वॉल हैचिंग करना है सबको सिलेक्ट कर दीजिए ऐसे बारी बारी से। याद रखिए आपका जो प्रीवियस हैचिंग था वही आ रहा है, बट नो डाउट हम इनको एक क्लिक में चेंज कर सकते हैं। इसमें भी हम हैच करेंगे, क्योंकि वहां भी हमारा ब्रिक वॉल आएगा। यहाँ भी क्लिक और यहाँ भी क्लिक करेंगे हम लोग फटाफट से, जहां जहां पे आपको हैच करना है वॉल के लिए वहां वहां पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इनमें डबल असाइन लाइन का यूज करेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन। बाद में हम लोग यहाँ पे 15 एंटर करेंगे, उसके बाद में इसका कलर वगैरह जो भी देना चाहते हो आप दे सकते हो। उसके बाद में यहाँ से क्लोज कर देंगे, हमारा देख सकते हो वॉल का हैचिंग भी हमारा रेडी हो चुका है। ओके, और ये काफी बेटर लग रहा है। अभी हम लोग इसमें डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, बट उससे पहले हमारा यहाँ भी हैचिंग आएगा प्लिंथ में, तो हम ब्रिक वॉल का यहाँ भी हैचिंग कर देते हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे और यहाँ से कलर पैटर्न को इसका चेंज कर देंगे। ओके, यहाँ पे ये बेटर लग रहा है। और जो हमारा स्केल है स्केल को हम लोग 5 कर देते हैं, 5 से भी हम लोग कम कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देते हैं, 2 में ज्यादा बेटर है। ओके, क्लोज कर देंगे, हमारा देख सकते हो हैचिंग रेडी हो चुका है। उसके बाद हम लोग इसमें लेबल को ऐड करेंगे। लेबल को ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 6 feet का एक लाइन मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे फीट एंटर। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे। सबसे पहले तो एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे मैं एक लाइन बना लेता हूँ 4 feet। ओके, क्योंकि काफी बेटर लगेगा अगर हम सारी चीजों को लेयर वाइज करेंगे। 4 feet ज्यादा हो रहा है तो हम थोड़ा सा कम कर लेंगे इसको, 2 feet में कर देता हूँ, 2 feet बेटर है। सिलेक्ट ओ एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, ओ एंटर एंड 4 feet इसको ऑफसेट कर लीजिए। जो हमारा 2 feet इधर बचेगा, 2 feet में हम लोग इसमें अपना डायमेंशन को ऐड करेंगे। सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद में ओ एंटर कर दीजिए, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग 6 inch इसको ऑफसेट कर देंगे ऊपर की तरफ और 6 inch इस लाइन को हम लोग इधर की तरफ ऑफसेट करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एल एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में और इस वाले पॉइंट पे क्लिक और यहाँ से एक लाइन बना लीजिए ऐसे। बाद में इस वाली लाइन को और इस वाले लाइन को आप इरेज कर दीजिए। ओके, उसके बाद में हम लोग एक लाइन से, सिंगल लाइन से यहाँ पे का जो है इसको क्लोज कर देंगे और ये जो हमारा लाइन होगा ये यहाँ तक आ जाएगा और इसके अलाइनमेंट तक। अभी देख सकते हो हमारा जो ये बन के रेडी हो चुका है हमारा सिंबल, इसको सिलेक्ट कीजिए सबको, उसके बाद जे एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में। जो आपका लाइन है यहाँ पे देख सकते हो ये ज्वाइंट हो जाएगा। उसके बाद में Ctrl-3 प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड में, उसके बाद ऑटोकैड के लाइब्रेरी शॉर्टकट ओपन हो जाएगा। यहाँ से स्ट्रक्चर में जाना है आपको और यहाँ से इंपीरियल सिंबल में रहना है आपको, क्योंकि फीट और इंचेस में काम कर रहे हैं। यहाँ पे एलिवेशन सिंबल मिल जाएगा आपको, इस पे क्लिक कीजिए और अंदर की तरफ लाके एक बार क्लिक कर लीजिए आप। ओके, उसके बाद में इसका नाम आ रहा है एलिवेशन, यहाँ पे ओके कर देंगे। जो शॉर्टकट लाइब्रेरी इसको क्लोज कर दीजिए, उसके बाद में ये काफी छोटा शो करेगा। सबसे पहले तो इसको स्केल कर लीजिए, ऐसे एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में और रेंडम ऐसे आप क्लिक करके इसको स्केल करके बड़ा कर लीजिए। ओके, एम एंटर करके मूव करके थोड़ा सा इधर रख लेता हूं मैं। इस पे क्लिक कीजिए, एक सेंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में। जो आपका एलिवेशन लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट, इसको इरेज कर दीजिए, बिकॉज हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिर्फ आपका जो ये सिंबल है वो बच जाएगा,
उसके बाद में इसे बी एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में और इसको ब्लॉक के फॉर्मेट में कर दीजिए। ओके सॉरी, सिलेक्ट कीजिए सबको, उसके बाद में बी एंटर और इसको आप ब्लॉक के फॉर्मेट में कर दीजिए, कोई भी नाम दे सकते हो। ओके कर दो, आपका ब्लॉक हो जाएगा। ये कैसे ब्लॉक मैंने किया, इन सारी चीजों को मैं ऑलरेडी ऑटोकैड का जो शॉर्ट कॉल्ड लेक्चर है उसमें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा हूँ, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा सा इसको स्केल करके छोटा करेंगे, एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में और इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे और मूव करके हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सिंबल डाल देंगे, सॉरी इसका लेवल डालेंगे, जितना भी हमारा लेवल आएगा, और यहाँ पे हम लोग इसका लेवल लिखेंगे कि हमारा ये ग्राउंड लेवल है या रोड लेवल है, जो भी लेवल होगा। ओके, जैसे कि मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेक्स्ट, जैसे कि हमारा रोड लेवल है तो एलवी रोड लेवल, उसके बाद सिलेक्ट कीजिए सबको, ये काफी छोटा आ रहा है। हम लोग यहाँ पे इसको 4 इंच करेंगे, एंटर कर देंगे अपने कीबोर्ड में, उसके बाद में अलाइनमेंट सेंटर करेंगे, यहाँ से स्टेयर केस आ रहा है तो हम लोग इसको टेक्स्ट में डाल देंगे, टेक्स्ट क्लियर में। उसके बाद इस पे क्लिक कीजिए, एरो आ रहा है, आ जाएगा यहाँ पे, एरो पे क्लिक करके और इसको लाइन करके बड़ा कर दीजिए आप थोड़ा सा एक लाइन में, मूव करके ऐसे रख लीजिए आप। ओके, थोड़ा सा इसको लाइन करना आपको आना चाहिए, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आनी चाहिए। ओके, थोड़ा सा मूव करेंगे और हम लोग थोड़ा सा इसे ऊपर रख लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगेगा। ओके, और उसके बाद हम लोग सी एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में और इसको कॉपी करके थोड़ा सा हम लोग ऊपर रख लेंगे। उसके बाद हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्यू एंटर, उसके बाद में 0 फीट 0 इंच। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग बीच में थोड़ा सा डैश डाल देते हैं ताकि बेटर लगेगा ये। ओके, उसके बाद में LVL डाल देंगे यानी लेवल, देख सकते हो हमारा ये रोड लेवल है और जीरो लेवल है यहाँ पे, हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम लोग कॉपी करके सारे जितने भी जगह पे हमारे लेवल्स आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे रोड लेवल, यहाँ पे प्लिंथ लेवल, ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे सॉरी फर्स्ट फ्लोर आ रहा है, सेकंड फ्लोर आ रहा है, यहाँ पे मुंडी लेवल आ रहा है, सब पे हम लोग इसको ऐड कर देंगे। तो सिलेक्ट कीजिए सबको, टोटल को एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में और इस वाले पॉइंट पे क्लिक और यहाँ पे लाके आपको फिनिश फ्लोर पे रखना, याद रखिए। जैसे कि फर्स्ट फ्लोर का हमारा ये फिनिश आ रहा है तो यहाँ पे रखेंगे, सेकंड फ्लोर का हमारा ये फिनिश है यहाँ रखेंगे, उसके बाद में हमारा यहाँ पे मुंटी का टॉप आ रहा है स्लैब, तो यहाँ पे रखेंगे। ओके, उसके बाद में हम लोग इसमें डायमेंशन एड कर देंगे, जिसके लिए DLI एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, उसके बाद में हम लोग इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लाके रख लेंगे। ओके, 3 फीट का हमारा डायमेंशन आ रहा है, इसको सिलेक्ट करके सबसे पहले तो आप इसको टेक्स्ट के लेयर में डाल दीजिए, अगर आपने टेक्स्ट का लेयर ऑलरेडी एक्टिवेट नहीं किया हुआ है तो। ओके, हम चाहें तो टेक्स्ट का लेयर ऑलरेडी पहले एक्टिवेट कर लेते हैं, बिकॉज हम जो भी वर्क करेंगे वो हमारा टेक्स्ट के लेयर में जाए। ओके, सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे इस लाइन को, उसके बाद में इस पे कर्सर लेके जाएंगे इस वाले पॉइंट पे, तो आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, कंटिन्यू डायमेंशन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद में जितने भी आपके लेवल्स आ रहे हैं सब पे आपको क्लिक कर देना है। पहले हमने लेवल ऑलरेडी प्लेस कर रखा है, याद रखिए मुंटी का लेवल हमारा जो बिल्डिंग है बिल्टअप एरिया में काउंट नहीं होता है, बट यहाँ पे हम मुंटी का भी लेवल यहाँ पे शो कर देंगे। ओके, उसके बाद में हम लोग DLI एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में और टोटल बिल्डिंग का हाइट हम यहाँ पे डिसाइड कर देंगे, सॉरी यहाँ पे शो कर देंगे, जिसमें हमारा मुमटी का हाइट नहीं काउंट होगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, उसके बाद हमारा देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा लेवल है वो आ चुका है। अब हम लोग फटाफट से यहाँ पे लेवल डाल सकते हैं, यहाँ तक हमारा कितना लेवल है, 3 फीट हमारा लेवल है। ओके, तो हमारा यहाँ पे 3 फीट डाल देंगे, 3 एंड यहाँ पे सिर्फ 3 डालना है, तो हमारा इंच वगैरह कुछ नहीं है, 3 फीट लेवल है हमारा। और ये लेवल कौन सा है यहाँ पे हमारा, तो लेवल है हमारा यहाँ पे देख सकते हो, ये ग्राउंड लेवल है हमारा। ओके, या फिर हम ग्राउंड फ्लोर डाल सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर लेवल, या फिर ग्राउंड लेवल नहीं डालेंगे, ग्राउंड लेवल जो हमारा रोड लेवल होता है वही होता है, तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर लेवल डालेंगे, ग्राउंड फ्लोर। उसके बाद में हम इसको अलाइन कर देंगे थोड़ा सा इस एरो पे क्लिक करके, यहाँ पे देख सकते हो वो बेटर हो गया। ओके, ग्राउंड फ्लोर लेवल हम चाहें तो इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, सेव एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, ये 4 इंच का रहा है, हम लोग इसको 3 इंच कर देते हैं। ओके, अभी बेटर लगेगा, मूव करके थोड़ा सा इसको अलाइन कर दीजिए ऐसे, उसके बाद में M एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में और इस पे क्लिक कीजिए, सबको आप मैच कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, यानी मैच करके जितने भी आपके ये लेवल्स आ रहे हैं सबको छोटा कर दीजिए, सिर्फ आपको बॉटम के लेवल को सॉरी लेवल्स को आपको छोटा करना है, टॉप वाले को नहीं करना है, जो आपका यहाँ पे फिट ऑरेंज दिखा रहा है उसको नहीं करना है। यहाँ पे हमारा देख सकते हो ये ग्राउंड फ्लोर लेवल हमारा रेडी हो गया। ओके, 3 फीट पे है, प्लस 10 फीट हमारा और आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13 फीट, रोड लेवल से हम 13 फीट पे आ चुके हैं, और ये हमारा लेवल कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर लेवल, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर डाल देंगे, यहाँ पे हमारा फर्स्ट फ्लोर लेवल आ गया, इसको मूव करके थोड़ा सा लाइन कर देंगे। ओके, उसके बाद में हम लोग फिर 10 फीट और एड कर देंगे, हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 23 हमारा, ये कहाँ से हो रहा है, रोड लेवल से हो रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करना, मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें काफी सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा लेवल के लिए। ओके, अभी हमारा सेकंड फ्लोर हो जाएगा, सेकंड फ्लोर लेवल हमारा आ गया, और मूव करके इसको भी हम थोड़ा सा इधर अलाइन कर देंगे। ओके, थोड़ा सा टॉप के भी अलाइन कर देंगे इसको मूव करके, उसके बाद हमारा फिर 9 फीट एड हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे 32 फीट हो गया हमारा, ये रोड लेवल से हो गया 32 फीट रोड लेवल से, और यहाँ पे फिर हमारा ये कौन सा लेवल हो गया, तो मुमटी लेवल है हमारा ये, तो मुमटी हम डाल देंगे यहाँ पे, मुमटी लेवल या फिर टेरिस लेवल डाल सकते हैं, मुमटी लेवल। ओके, यहाँ पे देख सकते हो टेरिस डाल देंगे यहाँ पे हम, ज्यादा बेटर रहेगा नो डाउट, मुमटी हम रहने देते हैं अब,
डाल चुके हैं। तो ये हमारा पैराफिट कितना है, इसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे आएंगे और कंटिन्यू डायमेंशन करेंगे और 3 फीट यहाँ भी हम शो कर देंगे। ये हमारा पैराफिट हो जाएगा, हम इसमें पैराफिट लिख देंगे। ओके, हम इधर भी अपना जो लेवल है और डायमेंशन है इन सारी चीजों को शो करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप इस इतने पोर्शन को सिलेक्ट कीजिए। ओके, इस लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए और ये जो सिंबल है इसको सिलेक्ट कीजिए। ओके, और टॉप के जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कीजिए सिर्फ। ओके, AMI एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में और सेंटर से आप इसको मिरर कर दीजिए, ऐसे एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, मिरर हो जाएगा, यहाँ 0 लेवल है। शिव एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में और इस वाले पॉइंट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे कॉपी कर दीजिए, आप देख सकते हो यहाँ पे, फिर जहां जहां पे हमारा लैंडिंग का फिनिश फ्लोर आ रहा है, फिनिशिंग आ रहा है, वहां वहां पे हम क्लिक कर देंगे। ये याद रखिए हमारा लेवल अलग होगा, ये लेवल हमें ऐड भी करना है, कहाँ पे ऐड करना है और मैं इन सारी चीजों को भी बताऊंगा आपको। ओके, उसके बाद हम लोग इनका भी लेवल शो करेंगे, जिसके लिए डायमेंशन डाल देंगे यहाँ पे। DLI एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे 3 फीट आ जाएगा, क्लिक कीजिए, कंटिन्यू डायमेंशन कीजिए। उसके बाद में जहां जहां पे आपका लेवल आ रहा है वहां वहां पे आप शो कर दीजिए, ऐसे यहाँ पे हम लेवल को ऑटोमेटिक शो कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, उसके बाद फटाफट से हम शो कर दिया हमने। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हमारा डायमेंशन आ रहा है इसको हम लोग एडिट कर देंगे फटाफट से। यहाँ पे 3 फीट आ रहा है तो यहाँ पे 3 फीट डाल दीजिए, बाकी आपको इसमें कोई भी चीज एड करने की जरूरत नहीं है। 3 फीट प्लस 5 फीट यहाँ पे 8 फीट हो जाएगा हमारा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 8 फीट यहाँ पे डाल देंगे, 5 3 8 हो गया हमारा, 8 + 10 हमारा 18 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे लेबल को अपना ऐड कर रहे हैं। ओके, हमारा कहाँ पे कितना लेबल आ रहा है, 8 + 8 + 10 हमारा यहाँ पे 18 + 10 हमारा यहाँ पे 28 हो जाएगा, 28 सॉरी। उसके बाद फिर हमारा 24 यहाँ पे 32 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, देख सकते हो। ओके, तो हम यहाँ पे फिर 32 डाल देंगे। अब हमारा यहाँ पे लेबल जहाँ जहाँ पे हमें शो करना था वहाँ वहाँ पे हमने शो कर दिया। ओके, अभी देख सकते हो ये सेक्शन में काफी सारी चीजें ऐड हो चुकी है। एक और चीज ऐड करना है हमें यहाँ पे, ममटी के लिए यहाँ पे राइजर ट्रेड यहाँ पे लिखेंगे, तो सीओ एंटर कर दीजिए अपने टेक्स्ट को और कॉपी करके यहाँ पे रख लीजिए। ओके, उसके बाद में इस पे डबल क्लिक कीजिए, इसको सिलेक्ट करके इरेज कर दीजिए। उसके बाद में मोमटी लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, एंटर कर दीजिए। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आर और डैश कर देंगे, राइजर यानी हमारा 6 इंच। उसके बाद में टी यानी ट्रेड हमारा यहाँ पे आ जाएगा, कैपिटल टी मैं कर देता हूँ यहाँ पे ट्रेड। उसके बाद में ट्रेड हमारा 10 इंच का, एंटर। उसके बाद में हमारा विड्थ है, विड्थ के लिए W और यहाँ पे हम लोग 5 फीट डाल देंगे। ओके, एंटर कर दीजिए, यहाँ पे देख सकते हो राइजर ट्रेड और विड्थ हमारा आ गया 5 फीट का। अगर आप चाहो तो इसको इसी एंटर करके और एक रेक्टेंगल भी बना सकते हो, एक रेक्टेंगल में डाल सकते हो, एंटर कर दो आप 2 इंच, इसको आप ऑफसेट कर दो यहाँ पे। ओके, और फ्लिट करके चाहो रखना तो रख सकते हो, काफी बेटर हो जाएगा, यहाँ पे कॉर्नर जो है इसके फ्लिट हो जाएंगे कॉर्नर में, जैसे कि एफ एंटर आर एंटर। और यहाँ पे मैं 4 इंच का फ्लिट कर देता हूँ, 4 इंच ज्यादा हो जाएगा, हमें 2 इंच करना चाहिए था, बट बेटर है नो डाउट 4 इंच ही कर देते हैं हम, बेटर लग रहा है 4 इंच में। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका जो है फ्लिट हो जाएगा, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन यहाँ भी और सेकंड लाइन। ओके, यहाँ पे फिर से फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन एंड यहाँ सेकंड लाइन, यहाँ पे देख सकते हो फ्लिट होकर रेडी हो चुका है, काफी बेटर लग रहा है। ओके, इसको हम टेक्स्ट क्लियर में ही रहने देंगे। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इनमें, सबसे पहले तो यहाँ पे पैराफिट हमें लिखना बाकी रह गया है, तो पैराफिट भी लिख देंगे। सीओ एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में और ऊपर के लिए रखिए, सिलेक्ट कीजिए इन सबको। उसके बाद में डबल क्लिक करके एंड उसके बाद में हम यहाँ पे पैराफिट, ओके, सिलेक्ट कीजिए सबको। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग 6 इंच एंटर करेंगे, उसके बाद में इसे 6 इंच पे रहने देंगे, यहाँ पे पैराफिट आ गया हमारा। ओके, उसके बाद हमारा काम रह गया, अब ये हमारा जो प्लान है हमारा स्टेयर केस का, इसको कॉपी कर लीजिए, सीओ एंटर कीजिए अपने कीबोर्ड में और इस वाले पॉइंट पे क्लिक कीजिए। ओके, और इसके सामने लाके रख देना है आपको, यहाँ पे हम लेबल को शो करेंगे। ओके, इसलिए हम इसके सामने लाके रख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, जो जो हमारा लेवल्स आ रहा है इनमें और लेवल्स को हम शो करेंगे। लेवल्स को शो कैसे करना है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एक लेवल को, सीओ एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में और हम लोग लाके इधर रखेंगे, इसको मिरर कर दीजिए, सॉरी रोटेट कर दीजिए, आरओ एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में और ऐसे रोटेट कर दीजिए आप इसको वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो F8 को प्रेस कर दीजिए, अर्थो को ऑन हो जाएगा, इसलिए आप रोटेट कर पाओगे। यहाँ पे हमारा 0 लेवल है तो हम 0 लेवल डाल देंगे, यहाँ पे देख सकते हो, बट हमारा रोड लेवल से ये 3 फीट है हमारा, देख सकते हो ये ग्राउंड फ्लोर का हम यहाँ पे स्टेयर डिजाइन किए हैं, तो हमारा 3 फीट है, तो हम रोड लेवल से यहाँ पे 3 फीट डाल देंगे, बिकॉज हमारा ये रोड लेवल से आ रहा है हमारा जो लेवल है, तो यहाँ पे 3 फीट आपको शो कर देना है, 3 फीट। उसके बाद में एंटर, 3 फीट हो गया, सिलेक्ट कीजिए, सीओ एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में और फिर हम यहाँ भी लेवल डालेंगे, क्योंकि हमारा इस लैंडिंग और इस लैंडिंग में लेवल का फर्क होगा, तो इस लैंडिंग पे हमारा देख सकते हो यहाँ पे कितना लेवल है, 8 फीट का, तो हम लोग यहाँ पे 8 फीट डाल देंगे। ओके, ऐसे ही लेवल को आपको शो कर देना है, यहाँ पे 8 कर देंगे सिर्फ 3 की जगह पे। देन उसके बाद हम लोग फिर से इन दोनों लेवल्स को कॉपी कर लेंगे, सीओ एंटर करके कॉपी कर लीजिए अपने कीबोर्ड में और उसके बाद में इस वाले पॉइंट पे क्लिक कर लीजिए कॉपी और फटाफट से आप ऐसे रख लीजिए। ओके, उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे लेवल देख सकते हो कितना आ रहा है, 13 फीट आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 13 फीट डाल देंगे। ओके,
यहाँ पे सिर्फ 1 ऐड कर देता हूँ 13 फीट। उसके बाद में फिर हमारा यहाँ पे लेबर चेक करोगे आप तो 18 फीट आएगा, तो हम लोग यहाँ पे 18 डाल देंगे। ओके 1 ऐड कर देता हूँ, 18 हो गया हमारा। यहाँ पे हमारा ऊपर भी लेवल्स हैं तो हम ऊपर के भी लेवल्स को ऐड कर देंगे। सिलेक्ट कर लीजिए अपने प्लांट्स को और स्टेयर जो प्लान है आपका उसे ऊपर की तरफ रखिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका लेवल जो भी होगा, यहाँ पे जैसे कि 23 आ रहा है तो 23 को आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 13 आ रहा है तो 23 कर दीजिए आप। उसके बाद फिर यहाँ जो आपका लेवल होगा, यहाँ पे लेवल देख सकते हो 28 यहाँ पे ऐड कर दीजिए आप। ओके यहाँ पे 18 है, 28 कर देंगे 28। ओके अभी देख सकते हो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके जो बीच में गैप थोड़ा सा करके और यहाँ पे इनको शो कर देंगे ये कौन सा फ्लोर का हमारा स्टेयर है। थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कीजिए, सी एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में और नीचे की तरफ F8 से ऑफ कर देंगे अर्थों को और नीचे की तरफ रखेंगे, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का स्टेयर होगा। सिलेक्ट कीजिए इनको और थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेंगे हम लोग, 6 इंच कर लेता हूं मैं, 6 इंच। उसके बाद में एंटर, 6 इंच पे आ गया। अभी देख सकते हो ये अलग अलग एरो में जा रहा है तो हम लोग इसको अलाइन कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे। अगर नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है तो इसको सबको सिलेक्ट कीजिए और जो आपका बीच में गैप है स्पेस इसको खत्म कर दीजिए आप। ओके एंटर कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो आप ये जो आपका एरो है इसको सिलेक्ट करके और इसको अलाइन कर दीजिए, अभी आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे आ गया एक में। अब आप स्पेस कर दीजिए एंटर, यहाँ से ऐसे हो जाएगा। सी एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, इस वाले पॉइंट पे क्लिक कीजिए, ऊपर की तरफ लाके रखेंगे यहाँ पे। देख सकते हो F8 को प्रेस कर दीजिए अर्थो, सीधा जाएगा, अलाइन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे क्लिक। ओके उसके बाद यहाँ पे हम लोग मुंटी डाल देंगे या टेररिस फ्लोर डाल देंगे। टेररिस फ्लोर आ गया यहाँ पे और यहाँ पे हमारा आ जाएगा सेकंड फ्लोर। ओके सॉरी यहाँ ग्राउंड और ये हमारा फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। ओके टेररिस तो टॉप में जाएगा हमारा, यहाँ हमारा सेकंड होगा सॉरी, और ये हमारा हो जाएगा सेकंड एस यहाँ पे यानी सेकंड फ्लोर। ओके उसके बाद में हमारा ये फर्स्ट फ्लोर है, मैंने सेकंड डाल दिया था गलती से। उसके बाद हम लोग एक डिजाइन बनाएंगे यहाँ पे और उसी में एक चुटकुल्ला टाइप में, जैसे चुटकुल्ला लिखा हुआ आता है ना आपने देखा होगा, उसी टाइप में हम लोग बनाएंगे और उसमें राइजर ट्रेड और बेस लिखेंगे। ओके तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक लाइन बना लेता हूँ यहाँ पे, एक लाइन कर लेता हूँ मैं, बट या उससे पहले जो हमारे ये लिखे हुए आ रहे हैं राइजर ट्रेड इसको कॉपी कर लेता हूँ, सी एंटर, और मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। उसके बाद मैं डबल क्लिक इन पे, सिलेक्ट कीजिए इन सबको और सबसे पहले तो ये मुमटी जो लिखा हुआ आ रहा है इस पर डिलीट कर दीजिए। उसके बाद में ये जो स्पेस है इसको खत्म कर दीजिए, आप सबको सिलेक्ट कर लीजिए और एक में अलाइन कर दीजिए। ओके उसके बाद में ये जो आपका टॉप का आ रहा है इसको आप डिलीट कर दीजिए, ज्यादा बेटर होगा। राइजर लिख दीजिए आप पूरा, उसके बाद में ट्रेड लिख दीजिए पूरा, उसके बाद में थोड़ा सा इसको सिलेक्ट कर दीजिए सबको, ये अभी अलाइन नहीं है, और सेंटर कर दीजिए, अलाइनमेंट एंटर कर दीजिए। उसके बाद में या बाहर क्लिक कर दीजिए माउस से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, एल एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में और यहाँ से आप एक रेक्टेंगल बना सकते हो या फिर लाइन बना सकते हो, मैं यहाँ से रेक्टेंगल बना लेता हूँ। REC एंटर और इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ऐसे ऐसे पॉइंट वाइंट कुछ नहीं, ऐसे बस रेंडम आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए। याद रखिए थोड़ा सा ये वर्टिकल जो है कम हो और हॉरिजॉन्टली ज्यादा हो, ओके तब जाके ये बेटर बनेगा। जो नीचे से है उसका थिकनेस थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, सिलेक्ट कीजिए ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ा कर लीजिए आप। ओके 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 बेटर है, और थोड़ा सा इसको कम कर लेंगे। ओके उसके बाद हम लोग इसे फ्लिट कर देंगे, एफ एंटर आर एंटर, और इसको हम 6 इंच फ्लिट करेंगे। फर्स्ट लाइन यहाँ पे और सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन यहाँ पे और सेकेंड लाइन, फिर से फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, यहाँ पे देख सकते हो रेडी हो चुका है। ओके थोड़ा सा इस टेक्स्ट को मूव करके थोड़ा सा सेंटर में कर देंगे, ओके बेटर लग रहा है। उसके बाद में एल एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में और इस वाले पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए, कहीं भी एक पॉइंट बना लीजिए आप, F8 को प्रेस कर दीजिए और थोड़ा सा ऐसे टेपर आप ड्रॉ कर लीजिए, ज्यादा बेटर लगेगा, और एक लागू पॉइंट ऐसे रख दीजिए आप। ओके ER एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में और इस वाले लाइन को आप ट्रिम कर दीजिए। ओके अब आप टोटल को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, ओके साथ में टेक्स्ट को भी। उसके बाद B एंटर कर दीजिए और इसे ब्लॉक के फॉर्मेट में कर दीजिए, कोई भी नाम दे सकते हो। ओके करोगे तो आपका ये ब्लॉक के फॉर्मेट में हो जाएगा। CU एंटर कर दो आप अपने कीबोर्ड में और इस वाले पॉइंट पे क्लिक करो आप, और सबको सारी जगहों पे आप ऐसे कॉपी कर लो। ओके जहां जहां पे आपका स्टेप्स आ रहे हैं उन सारी जगहों पे आप कॉपी करके रख दो। ओके उसके बाद में इसको सिलेक्ट करो, MI एंटर कर दो अपने कीबोर्ड में। ओके और ऐसे आप सिर्फ क्लिक करो इस वाले पॉइंट पे लाके तो मिरर हो जाएगा, एंड एंटर कर दो, स्पीक भी सिलेक्ट करो, फिर एंटर कर दो आप अपने कीबोर्ड से। उसके बाद में इस वाले पॉइंट पे क्लिक, ऐसे बाहर की तरफ एक बार क्लिक कर दो आप, मिरर होता सॉरी सब सारी जगह पे ये कॉपी हो जाएगा, देख सकते हो। ओके के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये एक्स्ट्रा आ गया है इसको आप इरेज कर दो। ओके अभी देख सकते हो ये काफी बेटर हो चुका है। ओके हमारा एक काफी बेटर तरीके से अलाइनमेंट के तौर पे, या थोड़ा सा हम चाहें तो इसको मूव करके थोड़ा सा और इधर रख सकते हैं, ये नीचे आ रहा है तो हम लोग थोड़ा सा इधर रख लेते हैं इसको मूव करके, अब ज्यादा बेटर लग रहा है। ओके थोड़ा सा और इसको भी मूव कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग इस वाले पॉइंट पे क्लिक और इधर क्लिक कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम दोगे आप तो थोड़ा सा ज्यादा डेकोरेट हो जाएगा बेटर तरीके से, तो काफी अच्छा लगेगा। ओके इसके बाद ये देख सकते हो रेडी हो चुका है, अगर हम लोग हमारे अब हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम इसे इरेज कर सकते हैं। ओके उसके बाद इसमें सारी चीजों को हमने ऑलरेडी एड कर रखा है, यहाँ पे रोड लेवल, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर हमारा, सेकेंड फ्लोर, टेरेस लेवल, इनके बीच में कितने
हाइट से इन सारी चीजों को हमने ऐड कर लिया। अब REC एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, ओके, और आउटर में एक रेक्टेंगल ऐसे आप ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद में आप नीचे स्टेयर के सेक्शन लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, थोड़ा सा ये जो आपका रेक्टेंगल है इसको छोटा कर लीजिए, बिकॉज हम अब इसे प्रिंट करने वाले हैं। प्रिंट करेंगे तो जितना छोटा रेक्टेंगल रहेगा हमारा उतना ज्यादा बेटर है। ओके, थोड़ा सा इसे और छोटा कर लेते हैं और थोड़ा सा इधर से भी हम लोग कर लेंगे। अभी देख सकते हो ये बेटर हो चुका है। अब हम लोग इसे प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी प्रेस कर दीजिए, बट उससे पहले जितने भी आपके लाइन्स डार्क हैं उनको आप लाइट कर लीजिए, यानी कम कर लीजिए लाइन वेट, ताकि अच्छे से प्रिंट हो। एल एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में और जो भी आपका लाइन्स आ रहा है, जैसे कि स्टेयर केस का यहाँ पे है, तो मैं इसको 18 कर देता हूँ। 18 में बेटर प्रिंट हो, या 13 कर देता हूँ, 0.13। उसके बाद और जितने भी आपके स्टेयर केस के लाइन्स आ रहे हैं, स्टेयर केस यहाँ पे भी है, स्टेयर केस दो लेयर बन चुके हैं, तो इनको भी मैं कम कर देता हूँ यहाँ पे 13। यहाँ पे हमारा वॉल आ रहा है, वॉल को भी मैं कम कर देता हूँ यहाँ पे 13 कर देंगे, यहाँ से ओके करेंगे। ओके, उसके बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे यहाँ से देख सकते हो अभी हमने इसमें रेलिंग नहीं बनाया हुआ, एक चीज हमारी छूट रही है, रेलिंग। तो रेलिंग भी हम बना लेते हैं फटाफट से। एल एंटर कर दीजिए अपने कीबोर्ड में, इस वाले पॉइंट पे क्लिक कीजिए और 3 फीट यहाँ पे एक लाइन बना लीजिए आप। ओके, अभी देख सकते हो ये टेक्स्ट क्लियर में बन रहा है, तो हम लोग जाएंगे और इसको रेलिंग के लेयर में कर देंगे। यहाँ पे रेलिंग का लेयर मिल जाएगा आपको। 3 फीट का हमारा लाइन बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ भी हम बना सकते हैं या फिर कॉपी कर देते हैं। सीओ एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, इस वाले पॉइंट पे आप क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे दो लाइन आपको बनाना है। तो एक इस पॉइंट से, एक इस पॉइंट से, दोनों लाइन पे क्लिक कर दीजिए, दो लाइन बनकर रेडी हो जाएगा आपको। इस पे दोबारा से और यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में फिर ये फर्स्ट वाला जो आपका पॉइंट है यहाँ पे क्लिक करेंगे, और नीचे बॉटम वाले सेकंड पॉइंट पे फिर से यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले पॉइंट पे, बॉटम वाले पॉइंट पे सेकंड, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक सिंगल लाइन बना देंगे। ओके, उसके बाद हम लोग पॉली लाइन से इनको ड्रॉ कर देंगे। पॉली लाइन से ड्रॉ करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम PL एंटर कर देंगे अपने कीबोर्ड में, इस वाले पॉइंट पे क्लिक कीजिए। ओके, उसके बाद में यहाँ पे शो करेगा आपको एंड पॉइंट, इस पे क्लिक कर दीजिए, एस्केप बटन को प्रेस कर दीजिए, इस वाले पॉइंट पे क्लिक कीजिए वापस से और इसके एंड पॉइंट पे, उसके बाद में फिर से आप इस वाले पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए और फिर इसके एंड बटन पॉइंट पे आप क्लिक कर दीजिए, फिर से इस वाले पॉइंट पे क्लिक और इसके एंड पॉइंट पे क्लिक, देन फिर से इसके टॉप पे क्लिक और इस लाइन पे क्लिक। यहाँ पे देख सकते हो हमारा रेलिंग बनकर रेडी हो चुका है, बट ये अलग कलर में आ गया है टेक्स्ट क्लियर में, तो वापस से मैं रेलिंग क्लियर में कर देता हूँ। एक्टिवेट को रेलिंग क्लियर को एम एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड में, एंटर, उसके बाद में मैच कर देंगे हम लोग इससे। जितने भी आपके लाइन्स हैं सबको मैच कर दीजिए, जो रेलिंग का लाइन है सबको एक कलर में मैच कर दीजिए। यहाँ पे फटाफट से मैं मैच कर देता हूँ। अभी देख सकते हो ये मैच हो चुका है हमारा। ये जो देख सकते हो जो हमने सिंबल बनाया हुआ है, थोड़ा सा ये अच्छे से अलाइनमेंट नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग करके और बेटर तरीके से इसको अलाइन कर देंगे यहाँ पे। अभी देख सकते हो ये बेटर लग रहा है। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको अलाइनमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा बेटर लगेगा अगर अच्छे से करोगे तो। ओके, इसको भी मैं कर देता हूँ फटाफट से, मूव कर देंगे, इस पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए और मूव करके आप ऐसे रख सकते हो। अभी देख सकते हो ये बेटर लग रहा है, थोड़ा सा हम लोग अलग मूव कर देते हैं तो ज्यादा बेटर लगेगा इस वाले पॉइंट पे। अभी देख सकते हो ये ठीक लग रहा है। उसके बाद में इसे भी हम करेंगे, थोड़ा सा मूव कर देते हैं, मूव करके अलग रखेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है हमें, ये ऑलरेडी है तो बेटर लग रहा है। ओके, अब हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब इसमें कोई भी चीज हमें ऐड नहीं करना है, अभी हमने ये सिंगल लाइन से अपना जो है बनाया हुआ है यहाँ पे। अगर हम लोग इधर रेलिंग नहीं दिखाना है तो नहीं भी दिखा सकते हैं, तो अगर यहाँ तक हम रेलिंग दिखाते हैं तो यहाँ से एक लाइन हमें ड्रॉ करना होगा, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, बिकॉज हमारा यहाँ तक रेलिंग रहेगा और यहाँ पे हमारा गेट आ रहा है तो। ओके, उसके बाद हम लोग अब इसे प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड में, उसके बाद में यहाँ से DWG2 यहाँ PDF कर दीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे नेम में DWG2 PDF। उसके बाद में यहाँ से आपको पेपर साइज में A4 कर लेना है, अगर A4 में आप प्रिंट करना चाहते हो तो। A4 में कर लेता हूँ यहाँ पे 210। ओके, उसके बाद में हम लोग यहाँ से आ जाएंगे वाइट टू प्लॉट में आएंगे और यहाँ से हम लोग विंडो कर देंगे, विंडो में जाएंगे और जो हमारा रेक्टेंगल है रेक्टेंगल को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आपको सेंटर दी प्लॉट मिल जाएगा ऑप्शन, इस पे क्लिक कर दीजिए। ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए तो यहाँ पे मोनोक्रोम कर दीजिए आप। ओके, यहाँ पे यस करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे सेड प्लॉट में आएंगे और यहाँ से रियलिस्टिक कर देंगे। ओके, क्वालिटी में ड्राफ्ट कर देंगे, बिकॉज जूम करने में काफी बेटर होता है, और यहाँ पे प्रीव्यू में जाके देख सकते हो आपका जो स्टीयर का सेक्शन है वो काफी बेटर तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे हमारा देख सकते हो जो टेक्स्ट है जो हमने मिरर करा था ये वाले आइकन को, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मिरर हो गया है, मिरर होके इसका जो सिंबल है जो हमारा टेक्स्ट है ये भी मिरर हो गया, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इसे एक्सप्लोर करके और इसे चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर इसमें भी आपको कोई भी डाउट्स आ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट करना, मैं अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अब आपको अगर प्रिंट करना है तो यहाँ से क्लोज कीजिए। ओके, उसके बाद में यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए और जहां भी आपको सेव करना है वहां सेव कर सकते हो आप। ओके, मैं यहाँ सेव नहीं करना चाहता हूं तो यहां से क्लोज कर देता हूं। अगर सेव करना चाहते हो अपने फाइल को तो कंट्रोल शिफ्ट एस कर दो, अगर प्रीवियस फाइल है तो।
ओके, उसके बाद में आप याद रखिए जब आप फाइल करते जाओगे तो आपको पर्ज करते रहना, यानी पर्ज करते रहोगे तो जितने भी आपके अननेसेसरी फाइल रहेंगे जिनको आप डिलीट कर देते हो तो डिलीट होता नहीं है, जब तक आप पर्ज नहीं करते हो तो डिलीट हो जाएगा। पर्ज करने के लिए आप अपने कीबोर्ड में पीजी एंटर कर दो, पीजी एंटर, उसके बाद में पर्ज के लिए यहाँ पे एक आ जाएगा डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे आप पर्ज चेक आइटम पे क्लिक करो, उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा पर्ज दिस आइटम, उसके बाद में पर्ज दिस आइटम और क्लिक करो या फिर ऑल कर दो यहाँ पे पर्ज ऑल चेक आइटम, उसके बाद में क्लोज कर दो, आपका जो फाइल है वो हल्का हो जाएगा। ओके, जितने भी अननेसेसरी होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट एस कर दो आप, पर्ज करने के बाद याद रखिए आपको सेव करके आपका फाइल में जो अननेसेसरी चीजें हैं वो पर्ज होने के बाद सेव हो। ओके, सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आपके मन में कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।